एके मिश्रा जी, आपको लगता नहीं कि इसमें सरकारों की नाकामी रही? अगर सरकार सख्ती से काम लेती तो शायद इन चीजों को बढ़ावा नहीं मिलता, एक नजीर पेश होती। आसिफ, देखिए, जहां तक बात कानून की है, मैं आपके चैनल पे भी दूसरे और टॉपिक्स पे मैं बोल चुका हूं। हमारे संविधान में, हमारे देश में किसी भी अपराध के खिलाफ या उसका जो है मतलब कानूनी प्रक्रिया क्या है, कानूनों की कमी नहीं है, किताबें भरी पड़ी हुई हैं, आप उठा के देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि भीड़ तंत्र के खिलाफ पहले कहीं कोई कानून नहीं था। हो सकता है स्पेसिफाई न किया गया हो भीड़ तंत्र, लेकिन मर्डर करना किसी भी तरीके से इसके खिलाफ कानून है। सवाल आसिफ यहाँ पे ये है, मैं पूछना ये चाहता हूँ, भीड़ तंत्र के लिए इस देश के संविधान में वाकई में कोई जगह नहीं है? हमारे संविधान में, हमारे कानून में कोई जगह नहीं है भीड़ तंत्र के लिए और उसकी मॉब लिंचिंग वगैरह इन सब घटनाओं के लिए? लेकिन प्रैक्टिकल में आप देखिए, थ्योरेटिकल कोई जगह नहीं है, कॉन्सेप्चुअल कोई जगह नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल ये जगह ही जगह है। आपने खुद डाटा ये अभी बताया कि एक महीने में 30-35 लोग मर गए, बच्चा चोरी और डिफरेंट जो है तरीके के जो मॉब लिंचिंग थे। ये जो आपने सवाल पूछा, आप ये गैप फाइंड आउट करिए कि प्रिंसिपली अगर हमारे संविधान में कोई जगह नहीं है तो प्रैक्टिकली ये घटनाएं क्यों हो रही है। अब आपके सवाल का आंसर एकदम सीधे सीधे आ गया, प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल में गैप तब होता है कि किताबों में तो लिखा है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, यानी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो होती हैं, दे आर नॉट वर्किंग इन प्रॉपर वे, चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई कानून हो, चाहे कोई पुलिस हो, चाहे कोई थाना हो। इससे भी बदतर हालत ये है, आप मॉब लिंचिंग तो चलिए अभी हुआ, आप जरा कभी भी देख लीजिए, आप मुझे एक उदाहरण बता दीजिए भारत में कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज स्पेशली पुलिस कब पहुंची है कि घटना होने के पहले पहुंची हो। पुलिस विभाग के बनाने का मतलब यह था कि घटना को प्रिवेंटिव वे में मैनेज किया जाए, होने के पहले रोका जाए। एक भी उदाहरण आपको, सारी एफआईआर 50-60 साल का आप ढूंढ लीजिए, एक उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। पुलिस हमेशा पहुंची है मर्डर हो जाने के बाद, चोरी हो जाने के बाद, मॉब लिंचिंग हो जाने के बाद। तो ये गैप क्यों है? इसका भी एक पूरा तंत्र होता है, हर खबर उनको मिलती रहती है, कहां क्या चल रहा है सारी खबरें उनको मिलती नहीं, है लेकिन पुलिस खुद उसको रोकने में नाकाम। आसिफ, मैं आपको बताता हूं, अगर हमारे पास इतना बड़ा सिस्टम है, हम इसके ऊपर सवाल ये, क्या एके मिश्रा जी पुलिस भी हालातों के हिसाब से काम करती है? क्या पुलिस के ऊपर बैठे आका या राजनीतिक दल या सरकारें उनके मिजाज के हिसाब से काम करती है? आसिफ देखिए, आप इसमें, मैं बोलता हूँ भीड़ तंत्र, ये जितनी 25-30 घटनाएं हुई है उस भीड़ तंत्र में कितने लोग शामिल थे? 25 लोग 30 लोग 50 लोग 100 लोग। इंडिया में कितना पुलिस बल है एक स्टेट के पास? इतनी बड़ी फैसिलिटी उनके पास है। सवाल ये है, सारी फैसिलिटी होने के बाद भी ये थाना, आप देखिए जहां ये घटनाएं हुई है, थाना 2-4 किलोमीटर की दूरी पर रहा होगा। 2-4 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचने के लिए जीप से 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है। उनको पता भी चला है, सारी चीजें हुई है, लेकिन ये लोग पहुंच नहीं पाते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा ये है कि किताबें लिख दी गई कानून में, जिनको नौकरी मिल गई, जो नेता बन गए, वो सेफ है। मैंने कई बार ये बोला है, सिस्टम पूरा का पूरा सिस्टम ये सेलेक्टिव हो जाता है, पूरा का पूरा सिस्टम हाईजैक कर लिया जाता है और सिस्टम की कोई उपयोगिता नहीं है। क्योंकि जब घटना होती है तो घटना को प्रिवेंट करने के लिए ना एम्बुलेंस पहुंचती है, ना पुलिस की जीप पहुंचती है, ना कुछ पहुंचती है। तो गैप ये है, भीड़ तंत्र को काबू करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है इसमें। सुप्रीम कोर्ट को, आप मुझे एक चीज ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी संस्था है, क्या सुप्रीम कोर्ट का काम अब यही रह गया? पूरे मतलब राजनीतिक दल, सरकारी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज फेल हो गई हैं, अब सुप्रीम कोर्ट को ये पेन और पेंसिल पकड़ के, हाथ पकड़ के बताना पड़ेगा कि आप ये चीज करो, स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं? जब सरकारें काम नहीं करेंगी तो फिर कौन संज्ञान लेगा? ये निकम्मा पान है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो गैप है ये निकम्मा पान है। कहेगा इधर अपना राजधर्म नहीं निभा रहे हैं, और यही इस मामले को लेकर हुआ। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपना धर्म नहीं निभा रहे हैं, राज्य सरकारों को चाहिए कि कानून व्यवस्था को व्यवस्था बनाए रखें। प्रेमेंद्र जी, विपक्ष कहता कि जब से बीजेपी की सरकार आई और जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर भीड़ तंत्र काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, क्या राज्य सरकारें शह दे रही हैं? ये विपक्ष का काम है, विपक्ष बोल सकता है कुछ भी, लेकिन नहीं, नोटिस भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो सरकारों को दिया उसमें ज्यादातर कुछ बीजेपी की सरकारें हैं, यूपी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटक, कर्नाटक में कांग्रेस की बन गई, बाकी सब आपकी। कुछ इशू ऐसे हैं कि कोई समाज उसको इमोशनली अटैच रहता है, छोटा बच्चा है, मासूम बच्चा है, उसके बारे में किसी को ये लगे कि इसकी इसको अगवा कर रहे थे इसको, तो कहीं ना कहीं जो ऐसे लोग जिनको कानून की जानकारी कम है,
या कानून के बारे में जानते नहीं हैं और कहीं ना कहीं इस चीज़ से अपने आप को अटैच कर लेते हैं, भीड़ में उसके प्रति एक घृणा का भाव आता है। तो ऐसे लोग कई और इमोशनल और कई बार जानबूझ के भी उनका आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ऐसे भीड़ तंत्र में आ जाते हैं और जिनको कानून की जानकारी नहीं होती ऐसी घटना का अंजाम दे देते हैं। उससे ये कहना कि सिस्टम पूरा फेल है तो देख देखे किसी भी रूप में हर आदमी की व्याख्या नहीं की जा सकती। नहीं, अगर एक पैरामीटर यही लिया जाए आपने देखा तो सिस्टम फेल है, सिर्फ एक घटना को अगर पैरामीटर माना जाए कोई इशू इस तरह हरियाणा में किस तरह से जहां तक गोकशी की बात है तो ऐसा नहीं है कि जितनी गोकशी को रोकने वाले लोग काम कर रहे हैं इस पर सबके सब अपराधी हैं, लेकिन उनमें जिन लोगों ने घटना की वो वास्तव में अपराधी हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों का पैमाना, लेकिन जहां जहां कहीं घटना हुई है उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, कठोरतम कार्रवाई हुई है, अपराधी के खिलाफ कोई किसी तरह की हिलावाली नहीं है। प्रिवेंटिव क्यों नहीं होती है? मरने के बाद तो सारी कार्रवाई होती है, क्या करने वाला है भाई साहब? पुलिस की क्या जिम्मेदारी है? हाँ, ये मैं मानता हूँ, किसी की जान चली जाए और आप बोलो कि हमने 20 साल मुकदमा चला दिया तो आपके ऐसे शासन व्यवस्था का क्या फायदा? कहीं ना अगर आप पहले नहीं पहुंचते हैं वहाँ मरीज के मर जाने के बाद आप एम्स पूरा उठा करके पूरा हॉस्पिटल शिफ्ट कर दीजिए, क्या फायदा? सत्यदेव त्रिपाठी जी, नेता कांग्रेस, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भीड़ तंत्र की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, इसके पीछे लगातार विपक्ष या कहें कांग्रेस ये आरोप लगा रहा है कि जो बीजेपी की जब से सरकार बनी है जब से ये ज्यादा बढ़ा, क्या तर्क की वजह है आपके पीछे? देखिए, पहले मैं सुन रहा था, कोई सज्जन कह रहे थे कानून की जानकारी नहीं, तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून की जानकारी कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ करती, ये जान बूझ कर सबको पता रहता है कि किसी को मारना है कब मर्डर, सबको पता है कि मर्डर किसी को मारना। सत्यदेव जी, क्या राजनीति, लॉ ऑफ थॉट, ये नेचुरल डिसीजन चला रहे हैं क्या? सत्यदेव जी, निश्चित तौर पर क्या राजनीतिक दलों की शह होती है इसके पीछे? बनाए रखने की सत्यदेव जी, क्या राजनीतिक दलों की शह होती है इसके पीछे? क्या वोट बैंक की राजनीति होती है इसके पीछे? क्या जात धर्म की, इसमें आपको एक नजर आता कि राज धर्म की और जाति की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों की शय होती इसके पीछे? निश्चित तौर पर धर्म और जाति की राजनीति ने उत्तर प्रदेश और बहुत सारे हिंदी भाषी प्रदेशों को बहुत पीछे किया है और उनकी स्थिति खराब से खराब होती जा रही है। चलिए सत्यदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सुरेंद्र कौशिक जी, क्या इन मामलों को लेकर सख्त कानून बनाने की जरूरत है? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि राज्य सरकारें इसको लेकर या सरकारें इसको लेकर सख्त कानून बनाए। आशीष भाई, आपने कानून के बारे में कहा और सुप्रीम कोर्ट की आज रूलिंग आई है, उससे वास्तव में सख्त कहा उन्होंने कि जो भीड़ तंत्र जो है राज्य सरकारें कंट्रोल नहीं करती है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या कानून भीड़ को कंट्रोल कर सकता है? हाँ बिल्कुल है, एक जगह धारा 144 हटती है, उसके अंदर आप चार आदमी से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, वो भी नियम बना रखा है। राज्य सरकार को जो नोटिस दे दिया जाता है कि हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो कंट्रोल करने की धारा 144 लगाती है सर, उसके बाद भी ये लोग कंट्रोल नहीं करते। इसका मतलब ये है कि ऊपर से राज्य सरकार की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आता कंट्रोल करने के लिए और वो इसको आसानी से ले लेते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, और जब बड़ी घटना हो जाती है तो पल्ला झाड़ने के अलावा कुछ नजर नहीं आता। इसमें एक और बताऊंगा भीड़ तंत्र के बारे में, पहले भीड़ तंत्र हुआ करता था जब आज़ादी के आसपास लोग इकट्ठे होते थे गांधी या नेहरू को सुनने के लिए, भीड़ लग जाती थी। आज जितना भी भीड़ तंत्र है, नहीं वो भीड़ तंत्र का नेचर दूसरा था, उससे इसका कंपैरिजन मत करिए, दैट वाज अ पॉजिटिव भीड़ तंत्र। मिश्रा जी वो ठीक कह रहे हो, लेकिन उसके अंदर आतंकवादी दूसरी घटनाएं नहीं होती थी। आज जितना भीड़ तंत्र के नाम पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो वास्तव में इसलिए कहा है कि सारी प्रायोजित भीड़ होती है, जो भीड़ होती है उसके अंदर चाहे गौ रक्षक है चाहे जो भी है, उनका मकसद नहीं होता है कि वास्तव में कुछ गलत करें, लेकिन उस भीड़ के अंदर जो असामाजिक तत्वों को घुसेड़ दिया जाता है वो आतंकवादी गतिविधियां या मारने कूटने की गतिविधियां इसलिए करते हैं कि भीड़ तंत्र को किसी भी तरीके से प्रायोजित करना भी गलत है। आप प्रायोजित करोगे तभी तो दूसरे लोग उसमें घुसते हैं, गोली बंदूक चलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी गलत नीयत से, धारा 144 आपने यही बोला, किसी भी गलत नियत से 4-6-10 लोग इकट्ठा, चाहे वो क्राइम करें या ना करें, लेकिन अगर आपका नियत गलत है, आपका उद्देश्य साफ नहीं है तो आपको इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। प्लीज गलत व्याख्या मत करिए। इसका मतलब ये है ना, जो भीड़ इकट्ठी होती है उसके ऊपर राज्य सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता, जब कंट्रोल नहीं होगा तो दंगे होने के चांस इसलिए होते हैं कि असामाजिक तत्व
पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो अपना पिल्ला झाड़ते हुए और दंगे मचवाने के लिए उसके अंदर नहीं नहीं कंट्रोल कैसे होगा। एके मिश्रा जी, क्या जिस राज्य में सरकार बनी होती है उस राज्य के राजनीतिक दल के मिजाज के हिसाब से भीड़ की घटनाएं नहीं होती, ये सच्चाई नहीं है? अरे आसिफ देखिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इसमें तीन चार फैक्टर होते हैं। मैं भीड़ तंत्र की जरा साइकोलॉजिकल वो करिए, आप देखिए भीड़ तंत्र क्या होता है। यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं होती है भीड़ में जितने लोग हैं उनको खुद पता नहीं होता है क्या प्लान है, क्या उद्देश्य है, क्यों इकट्ठा हुए हैं, किसने ये शुरू किया, कौन खत्म करेगा, प्लान करके कुछ भी सब कुछ अनकंफर्म करके होती है। एक ही आप कैटेगरी में देखिए ग्रेप वाइन जो होता है, भीड़ तंत्र टोटली डेवलप होता है ग्रेप वाइन पे, र्यूमर पे, और ये इतने क्लोज मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। जैसे अगर अफवाह ये फैल गई कि भैया बगल में किसी ने गोली मार दी, 50 लोग वैसे ही आ जाएंगे, क्योंकि बड़ा क्लोज रिलेशन होता है साइकोलॉजी से इन घटनाओं का, चाहे वो गाय का हो चाहे बच्चा चोरी का हो। सवाल ये है कि यहाँ पे क्यों ये चीजें होती हैं। देखिए पॉलिटिकल डेफिनेटली कई बार इंटरफेरेंस होता है, मैं बोलता हूं कि जैसे आरक्षण वगैरह या बहुत सारी चीजें हो गई, कितनी आगजनी हो जाती है, लूटपाट हो जाती है, उसके बाद आपने ये गौरक्षा के लिए बोला, उसके बाद बच्चा चोरी बोला, कई बार किसी शक में जो है लोग एक दूसरे को मार देते हैं। कई बार देखिए क्या होता है, अपना अपनी ड्यूटी का निर्वहन जो अधिकारी लोग हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, आप ये बताइए अगर गौ रक्षा की बात हो रही है, अगर एक एक नाके पे गौ रक्षा के कानून बने हैं, एक एक नाके पे पुलिस अलर्ट हो जाए तो आप एक भी ट्रक पास नहीं हो सकता है, पैसे ले लेकर के आपके पास लाइसेंस नहीं है जी, वो कार्रवाई नहीं करेंगे, चलो जी पैसा दे दो ट्रेवल करो। जब अगर पुलिस काम नहीं कर रही है, अगर प्रशासन तंत्र काम नहीं कर रहा, तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? इसको सरकार करेगी। नहीं नहीं, मैं वही राज सरकार करेगी। देखिए एक सारी जिम्मेदारी लौट घूमकर राज सरकार की बता रहा हूँ, जवाबदेही क्योंकि राज सरकार नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आज का मुद्दा हम बात कर रहे हैं कि भीड़ तंत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आप 4 हफ्ते में जवाब दीजिए, भीड़ तंत्र को क्यों नहीं आप काबू में कर पा रहे हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो कानून को बनाइए, लेकिन व्यवस्था बनाना आपकी जिम्मेदारी है। आखिर राज्य सरकारें क्या इसको लेकर नाकाम हो गई जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना पड़े? ए के मिश्रा जी, अगर प्रशासन काम नहीं कर रहा है तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? आसिफ ये आपने जवाब किसको देना पड़ेगा? सरकार को देना पड़ेगा। आसिफ देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत एप्रिशिएबल और इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। आप एक देश की एक कंट्री का जो है इसके कितने कंपोनेंट हैं आप उसको देखिए। जैसे एक तो संविधान के द्वारा बनी हुई चुनी हुई इलेक्शन के द्वारा सरकार है, उसका दायित्व तो है कि ये सारी चीजें करें। उसके बाद इन्फोर्समेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट है, एक कंपोनेंट वो हो गया। न्यायपालिका भी एक कंपोनेंट है, और सबसे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष रूप से जो कंपोनेंट होता है जिसकी हम चर्चा नहीं करते हैं वो होता है जनमानस, हमारा समाज। मैं बोलता हूं सरकारी इदारे फेल हो गए, मतलब गवर्नमेंट फेल हो गई। नहीं, आप जनता को कैसे डाल सकते? जनता ने सरकार को चुना, सरकार प्रशासन के जरिए कानून व्यवस्था बनाएगी। आसिफ सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही। आप आसिफ जनमानस क्या करेगा? नहीं नहीं, यहाँ कंडीशन आपने ये रखी है कि अगर ये राजनीतिक दल सरकार ये सब फेल हो गए, मैं बोलता हूं ये फेल हो गए तो एक नेक्स्ट ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए बीच में आया। और इसका सबसे सही सलूशन क्या है मैं आपको बताता हूं। भीड़ तंत्र में जहां पे भी मारपीट होती है सारे यंगस्टर होते हैं, जरा आप उनकी एज देखिए। हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि जिस एरिया में अगर ऐसी कोई घटना हो रही है 2-4 बुजुर्ग आकर के अगर इंटरफियर कर दें, ये सामाजिक दायित्व है, तो शायद घटना को रोका जा सकता है। देखिए इसमें सबसे बड़ा रोल हम लोगों का है कि ऐसी घटना हो तो 4 जो समझदार लोग हैं उसको रोकने के लिए पहुंचे और उन चीजों को कानून के हवाले करें कि कानून डिसाइड करे क्या सही है क्या गलत है। ये चीज नहीं हो रही है, वो एक नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन पहला धर्म सरकार का बनता है। नहीं आसिफ, आप गलत बोल रहे हो। नहीं नहीं देखिए, क्यों गलत बोल रहा हूँ मैं आपको बता, सरकार का काम है कानून, मैं आपको बता रहा हूँ, आम आदमी का काम नहीं है, आपको बता रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं और आप अपने रोजी रोटी के लिए निकलते हैं सुबह रात को, मैं आपसे डिफर करता हूँ। ये सबसे बड़ी हमारी गलत फहमी है, हम सोचते हैं देश को सुधारना केवल और केवल सरकार का काम है। कानून व्यवस्था कौन सुधारेगा? कानून व्यवस्था कौन सुधारेगा? ये हमारा आपका काम नहीं, हर का है। हम अपनी रोजी रोटी कमाएंगे, कानून व्यवस्था कमाएंगे। देखिए जागरूक नागरिक, जब हम जागरूक होंगे ना तब ये पॉलिटिशियन भी सही से काम करने लगेंगे। वो सही काम सरकार का है। सुभाष जी, क्या सरकारें फेल हो गई इसको रोकने के लिए?
क्या बीजेपी की सरकार जब से आई तब से भीड़ तंत्र ज्यादा बढ़ा है और यह आंकड़े इस बात की तस्दीक दे रही हैं? नहीं आसिफ भाई, देखिए यहाँ जो बहस चल रही है, मुझे इससे ऐसा लगता है कि हम उस समाज की कल्पना कर रहे हैं जो समाज अपराध मुक्त हो, अपराध शून्य हो। हम उस प्रदेश की कल्पना कर रहे हैं जो अपराध शून्य हो, अपराध मुक्त हो। उस देश की कल्पना कर रहे हैं जो अपराध शून्य, अपराध मुक्त। अगर आप बीजेपी के हैं सर, तो आपका तो ये नारा था, ये होना भी चाहिए, इस दिशा में प्रयास होना चाहिए। अगर आप बीजेपी के हैं तो आपका ये नारा था जिसके बल पे आप जीते हो, और आज आप इसको कल्पना बता रहे हो। अपराध अमेरिका से बड़ा, अमेरिका से बड़ा सर अपने देश की बात करिए, अमेरिका में मत जाइए। आपका ये स्लोगन था, आपका नारा था बीजेपी का, भय मुक्त समाज, अपराध मुक्त समाज। आज आप उसका विरोध कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि ये पॉसिबल नहीं है। अंदर घुसकर जो है बच्चों को बाहर डालता है, अमेरिका से तुलना मत कीजिए ना, भारत में रहना, भारत में। ये केवल सरकार, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये केवल सरकार के ऊपर इसको डाल देना कि साहब केवल सरकार या जो है पार्लियामेंट कानून। सर 100% हम नहीं डाल रहे हैं, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों का तो निर्वहन करें मिनिमम। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही? तो आप काम करें सुभाष जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कानून व्यवस्था बनाने की? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की व्यवस्था बनती है कानून व्यवस्था बनाने की। मैं राज्य सरकार का क्या काम है, क्या दायित्व है? मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए अब अगर जो है कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का है या असेंबली का है, ठीक है, उन्होंने बनाया। एग्जीक्यूशन का काम जिन एजेंसियों का है, उन एजेंसियों की क्षमताओं को देखना पड़ेगा। देश का जो जनसांख्यिकी है, मतलब आपकी पुलिस एजेंसी सक्षम नहीं है लॉ इंडिया में? आप ये बोलते हो कि आपकी बीजेपी की सरकार में पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अभी सक्षम नहीं है? जितने लोगों पर, जितनी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज होने चाहिए, पुलिस होनी चाहिए, ये तमाम चीजें भी आप देखी जानी उसको चाहिए। दुरुस्त थाने के नीचे रहेगा, थाने के बगल में सारी घटनाएं हो जाती है। सुभाष जी इसको कौन दुरुस्त करेगा? इसके साथ समाज की मेंटेलिटी, इसको कौन दुरुस्त करेगा? समाज की मेंटेलिटी को भी देखना पड़ेगा। आप टोप लगा दीजिए, मेंटेलिटी को हटा दीजिए ना, टोप लगा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट कानून बनाता है, उसके बाद इम्प्लीमेंट होते हैं सारे के सारे कानून। क्या सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट है क्या? उसके बाद गवर्नमेंट कहती है कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लगा दीजिए, लेकिन आपराधिक मनोवृत्ति के साथ देखिए, आप कितने भी फोर्स लगा दीजिए। सर अपराध मुक्त आपका नारा रहा है और आज आप अपराध के सामने घुटने टेक रहे हो कि हम अपराध को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। प्रेमेंद्र जी, प्रेमेंद्र जी, 250 इनकाउंटर क्यों करवाया आपने यूपी में? प्रेमेंद्र जी, प्रेमेंद्र जी, प्रेमेंद्र जी, एक सवाल मेरा ये है। सुभाष जी आ रहा हूँ, सुभाष जी, सुभाष जी, आपके पास प्रमेंद्र जी, एक अंतर्राष्ट्रीय मानव आयोग ने एक रिपोर्ट जारी करी, मानव अधिकार आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की और उसमें कहा कि भारत के अंदर इस सरकार के दौरान जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं या फिर जातिगत घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ी और उसको रोकने में केंद्र सरकार, राज्य सरकार नाकाम रही इन 4 सालों में। रिपोर्ट आई, इसका क्या मतलब? वो अंतर्राष्ट्रीय, उसी से जुड़ा मामला, ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट नहीं है साहब। वो तो कहेंगे ना साहब, वो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की इंग्लैंड की एक संस्था है, कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की रिपोर्ट थी, वैसी कोई रिपोर्ट नहीं आई। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की रिपोर्ट थी। सुभाष जी एक मिनट, सुभाष जी एक मिनट, सुभाष जी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, सुभाष जी, सुभाष जी, सुभाष जी भाई साहब, मौत के खिलाफ मौत को खड़ा करने का। चलिए सुभाष जी रुकिए, सुभाष जी, मौत के खिलाफ मौत को खड़ा करने का। चल प्रमेंद जी, आप जवाब दीजिए, प्रमेंद जी आप जवाब, सुभाष जी, सुभाष जी, वो रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की है ही नहीं, अगर हो तो दिखाओ। वो इंग्लैंड में कोई संस्था है फर्जी, कांग्रेसों ने वो रिपोर्ट बनवाई, अपने देश की बदनामी कर रहे हैं लोग। मानवाधिकार की रिपोर्ट थी, ऐसा नहीं है। मैं तो मिश्रा जी की बात से सहमत हूँ कि चारों लोग मिलकर समाज में कहीं ना कहीं इस चीज पे सबका नियंत्रण होना चाहिए, सबके सहयोग होना चाहिए। खाली एक सरकार पे छोड़ना कहीं ये अकलमंदी नहीं हो सकती। सरकारों के ऊपर किसका भरोसा है? लेकिन 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 ऐसा नहीं है। देश की जिम्मेदारी जनता को अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। जब कश्मीर में हम लोग पत्थरबाजों को पीछे देखते हैं जाके, तो उनको चलवाने वाले कौन लोग हैं? कार्रवाई होती है, ऐसा नहीं है कहीं नहीं हो रही। कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां भी है,
ऐसे किसी अपराध को कठोरतम कार्रवाई करने के लिए कहीं भी कोई मुस्तैदी से काम करता है। निर्देश है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, प्रैक्टिकल भी है। जहां जहां आया, अगर होता तो सुप्रीम कोर्ट बीच में थोड़ी आता। उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट को क्यों बीच में आना पड़ा सर? उत्तर सुप्रीम कोर्ट क्यों बीच में आया? सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई नहीं था गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस से। कहीं ऐसा नहीं है कि सारी बीजेपी सरकार में हुआ, कर्नाटक में भी हुआ। सरकार ने ज्यादा घटनाएं होने लगी के बाद आवाज़ नहीं कहीं। इनको नोटिस ऐसा नहीं है कि कहीं रेप हुआ और मुलायम सिंह ने कह दिया बच्चे अपराध सर काम करता। जब कृषि पेशेंट मर जाए, गवर्नमेंट का काम ये नहीं है सर पेशेंट मर जाने के बाद आप हॉस्पिटल पहुंचाओ। मैंने बोला ना, आप प्रिवेंटिव मेथड पे गवर्नमेंट क्यों नहीं बात करती है? लेकिन गवर्नमेंट घटना होने के पहले हम इतने चुस्त है कि घटना होने के पहले एम्बुलेंस पहुंच जाएगी, डॉक्टर पहुंच जाएगा, इस तरह के सिस्टम अपग्रेडेशन की बात आप क्यों नहीं करते हैं? गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट के पास कौन से ज्योतिष मंत्र साहब की घटना होने वाली है? सर मैं आपको क्रिएशन हुआ, उसका रिएक्शन हुआ। अरे सर आप सुनिए, हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं। गलत रिएक्शन को रोकना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। कैसे रोक सकते हैं? सब सुन बताओ, आप सरकार की बात करते हैं। मैं बोलता हूँ जितने पेशेंट जाते हैं हर पेशेंट का एक डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाए, जब बच्चा पैदा हो हमेशा पता रहेगा कि ये पेशेंट क्रिटिकल केयर में चल रहा है, उसको हमेशा हाई अलर्ट पे रखें। ये फॉरेन में होता है, इनको हार्ट अटैक आने की जरूरत है, हाई अलर्ट पे रखा जाता है, जरा सा एक फोन आया तुरंत एम्बुलेंस पहुंचती है। यही बात सुभाष जी ने कही ना कि कहीं ना कहीं कमी है, ये है, ये है प्रिवेंटिव सिस्टम की कमी है, ये प्रिवेंटिव मेथड है जो मैं बता रहा हूँ। है मर जाने के बाद उसके घर पे सर एम्स बनवा दो, क्या फायदा? नहीं बिल्कुल सही बात, मर्डर हो जाने के बाद पूरी मिलिट्री आप पहुंचा दो, क्या फायदा उससे? लेकिन जिनकी सरकारें रही हैं अब तक, सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए आप लोग सोचेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपराधों को कम कर सकते हैं, आप प्रिवेंशन लेकर जो है अपराधों को कम तो कर सकते हैं, लेकिन आप निर्मूल नहीं कर सकते। सर मैं जीरो करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जीरो कर देंगे, जीरो हो ही नहीं सकता है, लेकिन इतना भी तो ना हो कि वो नॉर्मल से ज्यादा हो। आप इस तर्क पे अपने आप को डिफेंड मत करिए सर। आपने आपका सिद्धांत है बीजेपी का अंत्योदय, अंत्योदय का मतलब है हर आदमी को सुरक्षा देना। सुभाष जी कम से कम उसको रोकने के लिए सारी सरकारें बात करेंगी, कतार में खड़े हुए अंतिम आदमी तक हम पहुंचेंगे। कमी लग रही है सुभाष जी, चुनाव जीतने के बाद अपनी तकसीम करिए, कानून बनाइए, कानून की जरूरत पड़ रही है कानून बनाइए। अगर आपको लग रहा है कि पुलिस का मैं तो व्यवस्था तो आपको बनानी ही होगी, संविधान में सारी व्यवस्था है, किसका कल्याण हो गया? सीआरपीसी आईपीसी पहले पर्याप्त है, कितनी किताबें भरी पड़ी है, पर्याप्त है, वो इम्प्लीमेंट होता तो ऐसा नहीं। आसिफ जी यही बात आती है, जब भी सरकार कोई कानून बनाती है तो पहले भी इस संदर्भ में चर्चा होती है कि साहब इसके लिए तो कानून पहले ही जो है सीआरपीसी और आईपीसी में बना हुआ है। लेकिन बात यह है कि जो है उन कानूनों का पालन करना, उन कानूनों के माध्यम से इम्प्लीमेंट कराना तो सरकार का काम होता है। ये इम्प्लीमेंट के लिए हिलाल रखती है, हिलाल नकवी जी नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिलाल नकवी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 में। हिलाल नकवी जी, भीड़ तंत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों ने अपना फर्ज नहीं निभाया, लेकिन आप देखते नहीं कि आंकड़ों को और वक्त को अगर देखें तो चुनाव के वक्त ही इस तरह की घटनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए ये सब कुछ नहीं होता है? निश्चित रूप से वोट बैंक की राजनीति के लिए ही होता है, और जिस तरह से जयंत सिन्हा साहब जो कि मंत्री हैं, उन्होंने लिंचर्स को, जिन लोगों ने लिंचिंग का काम किया है उनको बुला के सम्मानित किया है, जिस तरह से गिरिराज सिंह साहब ने इन होदंगियों को सम्मानित किया है, ये अपने आप में दिखाता है कि कौन सा राजनीतिक दल जो है वो इस प्रकार का कार्यक्रम चला रही है वोट के लिए और वोट प्राप्त करने। लेकिन हिलाल जी, अगर आपको लग रहा कि एक सरकार इसको रोकने के में नाकाम साबित हो रही, तो कम से कम विपक्ष को इसको लेकर घेरना चाहिए, सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए, ये मामले कोर्ट में जा रहे हैं, विपक्ष को भी इसको लेकर कुछ करना चाहिए। बेशक इसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, ये दबाव ही बनाया जा रहा है जिसकी वजह से ये आया है, और आप जानते हैं कि इन लोगों ने कोर्ट में जाकर के इस तरह के निर्देश हासिल किए हैं। तो बेशक कई तरीके होते हैं चीजों पे दबाव बनाने के लिए और सरकार को जो है वो कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए। ये सरकार जो है इसके लिए हठधर्मिता बहुत ज्यादा है,
ये जो है ये किसी की भी बात आसानी से सुनते नहीं है, ना ये संसद में किसी को बोलने देते हैं। चलिए लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। के मिश्रा जी, जिस तरह से अगर आंकड़ों का और वक्त का अगर आप देखेंगे, व्याख्या करेंगे, तो चुनाव के वक्त ये मामले और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो फिर लगता नहीं कि राजनीतिक यहाँ पर क्षय होती है राजनीतिक दलों की? आसिफ देखिए, मैं आपको बताऊं, डायरेक्टली तो कोई भी राजनीतिक पार्टी मैं नहीं समझता हूँ ये बोलती होगी या सोचती है कि आप जा करके विरोधियों को जान से मारिए। एक्चुअली होता क्या है ना, मैंने आपको बोला कि भीड़ तंत्र का जो फार्मूला है अनकन्फर्म्ड अनकंट्रोल्ड, होता क्या है लोग भीड़ जो है वो निकलती तो है केवल प्रदर्शन करने के लिए, उधर से सामने वाले भी आ गए, किसी ने कुछ कर दिया तो ऑल ऑफ सडन वहां पे सारी चीजें स्विंग होती हैं, भीड़ में जितने लोग हैं वो टेंपर ऑल ऑफ सडन होता है, क्योंकि ये एक म्यूटेशन होता है, ये एक एटम बम की तरह जैसे एटॉमिक विस्फोट होता है, चेन रिएक्शन होता है जो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। ये होता क्या है कि वो भेजते हैं पॉजिटिव उद्देश्यों के साथ, लेकिन वो हिंसक हो जाती है, यही सारे चुनावों में होता है। हजार लोग जब एक बार निकल गए तो उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। बंगाल के चुनाव में इतना खून खराबा हुआ, एक देखिए वहां पे भी प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बताता हूं, वहां पे भी प्रॉपर वे में ये सारी चीजें मैनेज नहीं होती हैं। गवर्नमेंट को पता है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को चुनाव होने वाला है, तो क्यों नहीं आप लोग मुस्तैदी से रहते हैं, क्यों नहीं सारे आप देखिए, उस वक्त पुलिस को प्रशासन को सोचना चाहिए कि कोई भी घटना हो सकती है, किसी भी पार्टी के द्वारा कोई शरारती तत्व तो किसी भी मॉब में घुस सकता है, तो पुलिस को अलर्ट पर रहना चाहिए, लेकिन होता ही नहीं है। वहां पे कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है कि भाई रूलिंग पार्टी के वर्कर है तो अब पुलिस वाले उनको पूछेंगे नहीं, जो करना है करिए, वो आग लगा देंगे। देखिए मैं बोलता हूं, बहुत सारी चीजों के नाम पे, कभी गुर्जर आरक्षण हुआ, ठीक है आपका असंतोष है, आप कुछ चाहते हो, रेल की पटरी को जाम कर देना, दुकानें लूट लेना हरियाणा में, आप ये देखो ये जो दुकानें आपने जलाई हैं सरकारी संपत्तियां, उल्टा सीधा टैक्स, आप टैक्स क्यों लगता है, आप इतना नुकसान करते हो आप ही की जेब से जाता है, तो ये भीड़ क्यों हिंसक हो जाती है? भीड़ के हिंसक होने का रीजन ये है, एक बहुत बड़ा डिससेटिस्फेक्शन, सही या डिमांड सही है या गलत है वो दूसरी चीज है, लेकिन एक बहुत बड़ा डिससेटिस्फेक्शन या तो नेचुरल वे में होता है, लेकिन यहां मैं और माइक्रो लेवल पे डिफरेंस करूंगा, अगर नेचुरल वे में कोई जो है डिमांड क्रिएट होती है वो भीड़ कभी हिंसक नहीं होती है, हमेशा कृत्रिम तरीके से जो भीड़ क्रिएट की जाती है किसी पॉलिटिकल मुद्दे को लेके, किसी भी चीज को लेके, वो भीड़ हमेशा क्राफ्टेड प्लांट होती है और उसमें कहीं ना कहीं हिंसा का भी एक लेवल जो है क्राफ्ट किया जाता है। आसिफ भाई, मैं लेकिन सुरेंद्र कौशिक जी, क्या जिन लोगों को लोग मानते हैं जो एक प्रतिनिधित्व करते हैं काफी तादाद के लोगों का, क्या उनके आचरण से काफी कुछ तब्दील नहीं हो जाता समाज में? आसिफ भाई, जिस वक्त कोई सांसद है, विधायक है, या फिर वहां के कोई ऐसी शख्सियत है, उसके आचरण को लेकर भीड़ जो है या वहां के लोग जो है उसके कानून व्यवस्था को लेकर, ये सबका उसके ऊपर फर्क पड़ता है, उनके आचरण से फर्क पड़ता है। आसिफ भाई, कोई भी प्रदर्शन या आंदोलन होता है उससे पहले उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है, लिख के देना पड़ता है, आजकल एफिडेविट देने पड़ते हैं, कितने आदमी इकट्ठे होंगे, कितनी भीड़ होगी, कितने लोग होंगे, किस तरह से, तो सारे देने पड़ते हैं, अंडरटेकिंग देनी पड़ती है। उसके बाद तो सारे देने के बाद अगर मान लो एक आदमी ने कहा 500 आदमी इकट्ठे होंगे और वहाँ जाकर 50,000 इकट्ठे हो गए, आप देखिए आपने एक बात और कही है खास बात कि राजनीतिक पार्टियाँ इसके लिए जिम्मेदार है या नहीं है। मैं कहना चाहूँगी 100% राजनीतिक पार्टियाँ इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर अब गौरक्षा के मामले में जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अभी आपने बताया था कि बीजेपी के राज्य जो है जिसमें बीजेपी की सरकार है वहीं दंगे क्यों हुए, बाकियों में क्यों निवेश, इसका मतलब नेचुरली है कि हमारी राजनीतिक पार्टियां इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरी पार्टियां हैं, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे के राज्यों में अपने आदमी भेज करके, असामाजिक तत्वों को भेज करके अस्थिरता पैदा करना चाहती हैं देश के अंदर, उनको कंट्रोल करने लिए सर जी राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो देश में अराजकता का माहौल इतना बढ़ जाएगा, लोग जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी भी तरह से एक दूसरे का कत्ल करेंगे सर। वास्तव में मैं ये कहना चाहूंगा सर, आज भी हिंदू मुसलमान या दूसरी जातियां हैं वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, कहीं भी उनमें वैमनस्य नहीं है, किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा फैलाने वाले भी राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं। वोट बैंक परमेंद्र जी, मेरा सवाल यह है, जिस तरह से मैंने कहा कि विधायक, सांसद या वो राजनीतिक दल जिसकी राज्य में सरकार है, उसकी सोच, उसके विचार, उसके आदर्श, उसका काफी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है उस राज्य की व्यवस्था के लिए? हाँ, बिल्कुल। और अगर एक धर्म जाति की तरफ अगर झुकाव हो तो फिर उस धर्म जाति के लोग इस तरह का समझ लेते कि कानून व्यवस्था के वो ऊपर हैं? बिल्कुल, लोग पढ़े लिखे नहीं, बिल्कुल लोग इमोशनल, परमेंद्र जी, लोग इमोशनल, परमेंद्र जी,
मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, कोशिश की अपनी बात करने। बिल्कुल ठीक बात है कि व्यक्ति का जनप्रतिनिधि का आचरण तो कहीं ना कहीं इस बात के लिए उस क्षेत्र में, कम से कम उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए वो ये माना जाता है कि ये व्यक्ति जो हमारा जनप्रतिनिधि है उसका आचरण जैसा हो, कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। की अगर सरकार बन लेकिन जाए, तो अगर ये कहना कि किसी धर्म विशेष के प्रति कोई ऐसी बात होती है, इससे मेरी ना इत्तिफाकी है। क्योंकि अगर यदि कोई अपराध करेगा, कोई धर्म विशेष के लोग थोड़ी अपराध करेंगे, अपराधी की कोई जाति नहीं होती भाई साहब। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी की क्यों देंगे अपराधी को, जिसका एजेंडा खुला है भयमुक्त समाज। और भयमुक्त समाज का मतलब जहां जिस पर जो हुआ कार्रवाई हुई है, सख्ती से कार्रवाई हुई है। बल्कि मुझे दया इस बात की आती है कि जहां लोग अपराधी पकड़े भी जाते हैं, उनको प्लांट करने वाले लोग भी पकड़ में आते हैं, फिर भी ये कहना कि नहीं नहीं वो अपने देश के हैं, अपने भाई हैं, माफ़ कर दिया जाए, ये सब हो जाए। अब समाज है, उसमें अलग अलग दल की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन जब ऐसे कोई मामले में कोई अपराधी का कोई मामला आता है, सब दल की राय क्यों नहीं होती, क्यों कार्रवाई की बात नहीं करते, कठोर कार्रवाई हो, क्यों उनके उनके पक्ष में क्यों आ जाते हैं? शह तो उन्हीं का है ना जो बचाने तो आता है। दे रहे हैं वो कोई भी दल हो, कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने कभी शह कहीं पकड़ में आई हो तो हम तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की बात आती है। कहीं कोई वैसे विषय हो ही नहीं सकता अपराधी के साथ कोई हिला वाली भारतीय जनता पार्टी किसी भी सरकार में, कल्याण सिंह जी से लेकर उत्तर प्रदेश में कभी नहीं। जहां तक बात मिश्रा जी का भी सवाल था, सही था कि कहीं ना कहीं जो इन्फोर्समेंट है, पुलिस है, तो जैसे हालात में वो रहे हैं, जैसी सरकारों ने वो हैंडल किए हैं, जैसे सरकार ने उनको चलाया है, अभी कहा कि अपराध हो गए साहब, बलात्कार जैसी गंभीर घटनाओं को, लेकिन उस सरकार के मुखिया का ये कहना कि बच्चों से घटनाएं हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं सह मिली है, तो पुलिस वही है। तब्दीली होने में कुछ तो समय लगता ही है, लेकिन यहाँ सरकार की मंशा न केंद्र में न राज्य में ऐसी कभी नहीं हो सकती कि कम से कम अपराधियों के प्रति उनका भाव न थोड़ा सा भी नरम हो। कोई नरमी, पूरी शक्ति के साथ अपराध को और अपराधियों को कुचलने का काम सरकारें कर रही है। आसिफ भाई मैं कहना चाहूंगा, मोदी सरकार के राज में हो चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार के राज में हो, लोगों ने पीआईए डाली, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए, ऑर्डर के बाद इंप्लीमेंट करवाए ऑर्डर, उसके बाद केंद्र सरकार चाहे वो कांग्रेस की थी चाहे बीजेपी की है, केंद्र सरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धमकी देती है कि कानून बनाने का अधिकार आपका नहीं है, हमारा है। उसके बाद भी केंद्र सरकार की तरफ से कोई ऐसे कानून नहीं बनते और ना राज्य सरकार से इंप्लीमेंट करा पाती ताकि दंगे ना हो। जातिवाद के नाम पर सभी किसी के दंगे के बारे में जो है पहले भड़काए जाते हैं, बताया जाता है, प्रायोजित होते हैं, उसके बाद दंगे भड़कते हैं, नहीं तो लोग भड़कने वाले स्टेज में नहीं है। आज भी लोगों में एकता है, भाईचारा है, सब कुछ है। जितने भी प्रोग्राम है, जितने भी पीआईए डलती है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शासन का देश में किया जाता है, तो नेताओं का क्या काम, क्या पॉलिटिकल पार्टियों का काम है, क्यों चुनाव लड़ते हैं? सर ये चुनाव लड़ने वाले का पूरा दायित्व बनता है, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनका पूरा दायित्व बनता है कि दंगों को रोकना और लोगों में झगड़े ना हो। बिल्कुल यही सुप्रीम कोर्ट करा। एके मिश्रा जी, जब धर्म और जाति के नाम पर, जब गंगा और गौ के नाम पर इस तरह की राजनीति अगर होगी, तो लगता नहीं क्या एक ये भी वजह है, राजनीतिक माहौल भी एक वजह इस तरह के मामले सामने आना? आसिफ, आप ही के टीवी पे बड़ा हिट डिबेट हुआ था जिसमें मैंने बोला था, सवाल यह था क्या धर्म एक राजनीतिक मुद्दा है या निजी मुद्दा है। मैंने बोला था कि धर्म स्पेशली इंडियन सब कॉन्टिनेंट और ग्लोबली, और आपने भी बोला था, सबसे बड़ा सरकारी मुद्दा है। हम पैदा होते हैं क्लास वन में एडमिशन, तो अपना धर्म ऑफिशियली डिक्लेयर करो, हाई स्कूल, इंटर, सारा, पासपोर्ट, नौकरी में, इवन चुनाव का लड़ते हुए आप जब फॉर्म भरते हो तो आप अपना धर्म, जाति, सारी चीजें डिक्लेयर करते हो, बिना उसके आपका कोई फॉर्म नहीं एक्सेप्ट होगा। तो आज की डेट में एक तो धर्म सबसे बड़ा सरकारी मुद्दा है, देखिए कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। ये राजनेता पॉलिटिकल पार्टी बोलेंगे जी धर्म एक अपना निजी मुद्दा है, लेकिन सारे चुनावों में आप धर्म को, जाति को, पाति को हटा दीजिए, तो जरा इन पार्टियों का मैनिफेस्टो देखिए, उनके पास दिखाने के लिए है क्या? हाँ, विकास कितना इन्होंने विकास किया, सारी पार्टियों से आप पूछिए, और जितना विकास होना चाहिए था उतना किया कि नहीं किया? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो हम लोगों की संस्कृति है, जो कल्चर है, हमारा बड़ा लगाव है। दुर्भाग्य की बात यह है, हमारे इसी लगाव को, हमारे इसी भोलेपन को सारी पार्टियां अपना उल्लू सीधा करने में लगाती हैं। वो त्याग मुझे किसी, वो आदर्श मुझे किसी पार्टी में नहीं दिख रहा है जो कि ये बोले कि सारे लोग हिंदुस्तानी हैं, जो गलत करेगा उसको कानून के हिसाब से मिलेगा। हम डेवलपमेंट के, देखिए बीजेपी ने भी बोला था कि हम डेवलपमेंट पे करेंगे, गुजरात इलेक्शन के बाद हूं विकास छू गायब हो गया, डेवलपमेंट की अब बात ही नहीं होती है, केवल गुजरात इलेक्शन तक बात हुई थी। भाई डेवलपमेंट का मुद्दा क्यों गायब हो जाता है और क्यों सारी पार्टियां जाति पाति कास्ट और सब कास्ट जो सेगमेंटेशन होता है
छोटे कास्ट, अब ये कास्ट में भी इतना ये है, उस कास्ट के भीतर भी कितनी कास्ट है, इतने माइक्रो लेवल पे चली जाती है। उसका कारण है, बिना इनके इनका राजनीतिक चूल्हा जल नहीं सकता है। अपना उद्देश्य ये इनके प्रकारण और हाल हाल में जीतने की चाहत, कोई भी सरकार हो, ये सबसे आसान तरीका होता है, इसीलिए ये यूज करते हैं। आसिफ भाई, मैं बिल्कुल मिश्रा जी के कहने से बिल्कुल सहमत हूँ। राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक बनाने के लिए ही ये मुद्दे लाती हैं, ताकि लोगों में गर्मा गर्मी रहे और लोग ये लोग वोट लेकर के जनता को बोली वाली जनता को मूर्ख बनाते नहीं। आप चाइना में देखिए, 1949 में चाइना आज़ाद हुआ था, आज हमारे देश से 200 साल आगे चल रहा है वो, उसमें धर्म के नाम पर कोई राजनीति नहीं है। कोई पार्टी या कोई आदमी ऐसा गलत नहीं बोल सकता देश के खिलाफ बोले, नहीं, जो भी देश के खिलाफ बोलेगा सर वो दंड का अधिकारी होगा और उसको सख्त से सख्त दंड दिया जाएगा। इसी तरह क्या यहाँ पर भीड़ तंत्र बढ़ना एक ये भी वजह है कि धर्म और जाति के नाम पर राजनीति यहाँ पर काफी ज्यादा हो रही है और राजनीतिक दल को एक सरल और सीधा माध्यम मिल गया है। विकास के नाम पर कौन राजनीति करे, इतना काम करना पड़ता है, विकास के काम को लेकर रात दिन मेहनत करना पड़ती है, तो एक बढ़िया ये तरीका है। देखिए, धर्म और जाति के नाम पर जो है भीड़ तंत्र को इकट्ठा करने की जो आमतौर पर जो है क्रिटिसाइज होती है नेताओं की, राजनीतिक दलों की, देखिए मैं इससे सहमत रही हूँ। देखिए बात यह है कि धर्म जो है ठीक है, वो हमारे जो है प्रमाण पत्र में, सर्टिफिकेट में, हमारे जन्म के समय से ही ये चीज़ें लिखी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस देश के विधान में लिखा है कि हमारी सभी जो है वो ये निजी आस्था के सवाल हैं। और देखिए, यही तो कॉन्ट्राडिक्शन है सर जो मैं बोल रहा हूँ। बीजेपी वाले, आप मुझे ये बताइए, हर चुनाव में क्यों धर्म की आप बात करते हैं? अब बात ये है, बिना मंदिर मस्जिद की, अभी देखिए दो दिन पहले कांग्रेस ने बोला हम मुसलमानों की पार्टी है, अपने मैनिफेस्टो में सारी पार्टियां ये इसी पे जाकर उलझ जाती है। इतना कॉन्ट्राडिक्शन सर, बेवकूफ मत बनाइए। यदि हम जो है तो हमारा है ना, वो हमारा दल का मैनिफेस्टो, कोई निजी मुद्दा नहीं है, धर्म सबसे ज्यादा यूज आप लोग कर रहे हो धर्म का। दो दिन पहले कल पूरी टीवी पर यही डिबेट चला है, कांग्रेस ने ये बोला, बीजेपी ने ये बोला, तो निजी मुद्दा है तो आप सर्टिफिकेट पे क्यों डिक्लेयर करवाते हो? हमारे पासपोर्ट पे क्यों आप ऑफिशियली डिक्लेयर करवाते हो? क्लास वन से लेके कानून में या विधान में आपको कोई सरकारी सुविधा चाहिए तो आपको अपना धर्म डिक्लेयर करना पड़ेगा, आपको अपनी जाति डिक्लेयर करनी पड़ेगी। कानून से बड़ा इस देश के अंदर, कानून से बड़ा ये कॉन्ट्राडिक्शन है हमारे लोकतंत्र के। राजनीतिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक कानून होना चाहिए धर्म के नाम पर। और आप जैसे नेताजी लोग अपने उसके लिए जी, आप जब रैली करोगे तो धर्म एक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा, हर धर्म खतरे में आ जाएगा। टीवी पे बैठकर बोला गया धर्म एक निजी मुद्दा है, ये बिल्कुल समझ चुका है देश का कि जो भी करना है राजनीतिक गतिविधियां वो कानून के दायरे में करनी है। ये हर राजनीतिक कार्यकर्ता, मैं नहीं मानता, पहले भी आम आदमी आम आदमी दिमाग नहीं है राजनीति को सुनते हो। जब तक राजनीति होती रहेगी और वोट बैंक की राजनीति के लिए धर्म जाति का जब तक इस्तेमाल होता रहेगा, तब तक भीड़ तंत्र की घटनाएं इसी तरह से सामने आती रहेंगी।